16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 4 आएगा, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 4 आएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड वाले डिजिट से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, लेफ्ट साइड वाले नंबर को, और राइट साइड वाले डिजिट से डिवाइड करेंगे राइट साइड वाले नंबर को, तो कोसेंट दोनों ही सिचुएशन में इक्वल आएगा। यही पैटर्न फॉलो करना है इसमें और इसमें। अब 15 को डिवाइड कीजिए 5 से 3, और 6 को डिवाइड कीजिए 2 से तो 3। अब यही पैटर्न फॉलो करके इसको हम लोग फाइंड करेंगे x का वैल्यू। ऑप्शन 1 है 18, 72 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 72, और 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग है। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, 72 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 18 आता है, और 27 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं, 72 को 6 से डिवाइड कीजिएगा 12 आएगा, और 27 6 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 72 को 8 से डिवाइड कीजिए 9 आएगा, और 27 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कोसेंट 9 आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।